नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि अभी हम लोग विद्यालयों में स्कूल रेडीनेस के तहत बाल वाटिका का आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो हमें प्रपत्र मिले हैं उसमें एक प्रमुख बिंदु है आकलन प्रपत्र। अब ये आकलन प्रपत्र का है क्या है और कैसे हमें बच्चों का आकलन करना है, इसी विषय पर आज का ये वीडियो है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आकलन प्रपत्र है उसका स्वरूप कुछ इस तरह से, मैंने दो पार्ट्स में इसको किया है, बाद में पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आकलन प्रपत्र, यहाँ पे जिले का नाम अंकित करना है, ब्लॉक का नाम अंकित करना है, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम जो नोडल शिक्षक हैं, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम और पहला आकलन दिनांक, जैसे कि चयन कार्यक्रम में दिया हुआ है कि आकलन दो बार करना है, प्रारंभिक प्रथम दो सप्ताह में कर लेना है और दूसरा आकलन समापन के पश्चात होगा कि बच्चे ने क्या सीखा। यहाँ पे बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, विद्यालय का यूडीएस कोड अंकित करना है, लिंक लड़का या लड़की है उसको अंकित करना है, अभिभावक का फ़ोन नंबर अंकित करना है और दूसरा आकलन आपने कब किया उसको अंकित करना है। मतलब आकलन हमें दो बार करना है, पहला आकलन शुरुआत में ही प्रारंभिक स्तर पे करना है और दूसरा आकलन जब बाल वाटिका या 12 सप्ताह की कैलेंडर एक्टिविटीज़ हम पूरी कर लेंगे तो बच्चों ने क्या सीखा वो दूसरा आकलन होगा, उसका यहाँ दिनांक अंकित करके इसको हमें करना है। तो ये आकलन प्रपत्र दो बार हमें फिल करना है, प्रारंभिक और अंत में, क्या उस बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या आया, क्या सीखा। अब जो आकलन के बिंदु हैं वो क्या हैं, विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु। आकलन दो बार होगा स्पष्ट आप लोग जान लीजिए, एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले दो हफ्ते और दूसरा आकलन जो है मॉड्यूल के अंत में, जब आप पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद दूसरा आकलन होगा। यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। तो जो हम आकलन करेंगे वो बच्चों के, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका परीक्षा जैसा अनुभव नहीं होना चाहिए, खेल खेल में ही बहुत ही अच्छे से माहौल में ये आकलन होगा। उसमें रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा, जैसे बच्चे स्वयं करते हैं कि बच्चे मदद लेके कार्य करते हैं और नहीं कर पाते हैं, 3 ऑप्शन है। उसके बाद है दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चे की प्रगति का पता लगाया जा सके। अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। ये रहा कि आकलन प्रपत्र का जो प्रथम कैसे करना है। अब देखिए आकलन प्रपत्र का स्वरूप इस तरह से है, इसमें 10 बिंदु है, वीडियो में स्पष्ट दिखे इसलिए मैंने दो पार्ट में कर दिया है इसको। तो सबसे पहले क्रमांक आ जाएगा, आकलन का क्षेत्र और संकेतक उसके नीचे है, पहला आकलन उसके बाद दूसरा आकलन, इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है फॉर्मेट। फिर संकेतक, उसके बाद बच्चे स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये आकलन प्रथम बार जब हम करेंगे तो बच्चे किस स्तर पे हैं। उसके बाद दूसरा आकलन फिर वही आ जाएगा, स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें पहला है नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम, दूसरा भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करना कर पाते हैं बच्चे, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं या मदद से करते हैं, इस पर टिक करना है। तीसरा है खेल नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना, बच्चे करते हैं नहीं करते हैं या मदद से करते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, साफ़ कपड़े, साफ़ नाखून, ये सारे बच्चों के होते हैं कि नहीं, बालों को अच्छे से कंघी करना, हाथ धोना, ये सारा हमें इसमें अंकित करना है कि बच्चे स्वयं से कर लेते हैं ये कार्य, मदद से करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं पांचवें बिंदु की ओर, पांचवा है कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना, बच्चे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं या मदद से करते हैं, ये दोनों स्तरों में हमें बताना है। छठवां है वस्तुओं को सबसे लंबी
से छोटी और चौड़े से पतली तक व्यवस्थित करना। अब यहाँ पे स्तर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वही प्रथम आकलन में क्या परिणाम होंगे और सेकंड आकलन में क्या परिणाम, बच्चे ने कितना सीखा। सातवां है क्रम को पूरा कर पाना। अब इसमें भी वही आ जाएगा, बच्चे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं या मदद से करते हैं। अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना आठवां बिंदु है। नौवां है दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना। धीरे धीरे स्तर को बढ़ाया गया है, जैसे बच्चे सीखेंगे फिर उनका आकलन आपको करना है। दसवां है कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। अब बच्चे प्रथम आकलन में उनका क्या लर्निंग आउटकम है और क्या परिणाम निकल के आते हैं, और जब हम 3 महीने ये पूरा आयोजन संपन्न कराएंगे 12 सप्ताह की एक्टिविटीज़, तो उसके बाद फिर जो दूसरा आकलन होगा उसमें परिणाम क्या होगा। तो ये था पूरा आकलन प्रपत्र, इसका पूरा स्वरूप ये है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में आप लोगों को दिखाया था। जब आप देखेंगे तो वो पूरा आकलन प्रपत्र का प्रारूप इस तरह से है, और ये दूसरा है। तो आशा है आपको हेल्प मिलेगी।